कि 23 अप्रैल को वीर कुंवरसी साहब भामाशाह जयंती के अवसर पर सरकारी छुट्टी का घोषित किया जाए। हमारे समाज के लोग जो नगर निकाय का चुनाव है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जीत कराएं उस पर ये बैठक है। वही दोनों आदमी मिल करके केस को चलाते थे, आज भी वही बात है। तो IAS IPS करके बड़े बड़े ऑफिसर हो गए हैं, कमिश्नर हो गए हैं, प्राइम मिनिस्टर बना हुआ आदमी का ग्रुप है। बिहार सरकार के पिछड़ा आयोग की पूर्व सदस्य कंचन गुप्ता जी आज चिंतन बैठक में शामिल है। तैलिक एकता मंच का जो कार्यक्रम है इसमें शामिल हुई हैं। हम इनसे जानेंगे कि मैडम क्या आज मुद्दा बना है और आगे की रणनीति क्या होगी। आज जो तैलिक चिंतन बैठक है उसमें भामाशाह के जयंती समारोह को लेकर यह बैठक रखी गई है। नगर निकाय का चुनाव है उस मुद्दे को भी लेकर रखी गई है। और जो पंचायती राज त्रिस्तरीय पंचायती राज में चुनाव में जो जीत कर लोग आए हैं, जितनी हमारी संख्या होनी चाहिए जनसंख्या के हिसाब से उतने लोग जीत कर नहीं आए हैं, उनकी जागरूकता में जो कमी आई है उस पर बैठक है। और जिस तरह से वीर कुंवरसी जयंती का एक सरकारी छुट्टी होता है उसी दिन भामाशाह जी का भी जयंती है, तो राज्य सरकार से मैं मांग करती हूँ कि 23 अप्रैल को वीर कुंवरसी साहब भामाशाह जयंती के अवसर पर सरकारी छुट्टी का घोषित किया जाए। तीसरी बात कि जो BTVC की किताब में पहले 4th और 5th क्लास में भामाशाह की जीवनी पढ़ने को मिलती थी, जिसे सिलेबस से हटा दिया गया है। मैं राज्य सरकार से मांग करती हूँ कि पुनः उसे सिलेबस में शामिल किया जाए। तीसरी बात कि भामाशाह जी के नाम पे एक डाक टिकट इशू किया जाए, जारी किया जाए, जिससे हमारे समाज को भी एक लगेगा कि नहीं, हमारे समाज के लोग जो भामाशाह जिसने मेवाड़ की इज्जत को बचाने के लिए अपने सारे धन को उन्होंने दान दिया, जिन्हें हम लोग दानवीर कर्णवीर भामाशाह के नाम से जानते हैं। तीसरी बात कि हमारे समाज के लोग जो नगर निकाय का चुनाव है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जीत कराएं उस पर ये बैठक है। हमारे लोगों में राजनीतिक चेतना की जो कमी है उस मुद्दे पर भी बैठक है। हमारे समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम लोग इस पर चिंतन विचार करके हमारे लोग को बिहार सरकार के द्वारा 2015 में अति पिछड़ा किया गया, तो इस अति पिछड़ा का लाभ हम कैसे लें, हम अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएँ, इस मुद्दे पर बैठक है। इन्हीं सब बिंदुओं पर आज विचार होना है, इन्हीं को लेकर मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। कंचन कुमारी, पूर्व सदस्य पिछड़ा वर्ग राज आयोग, सह पूर्व सदस्य पूर्व अध्यक्ष महिला तैलिक साहू समाज। नगर में राम स्वर्गीय राम लखन गुप्ता MP हुए थे बाढ़ से, जनता पार्टी के राज में